डॉक्टर बी आर अंबेडकर चैरिटेबल हॉस्पिटल इस अस्पताल में दोबारा बता देता हूं हर गरीब का किसी भी जाति किसी भी धर्म के व्यक्ति का मुफ्त इलाज होगा जो गरीब होगा अस्पतालों में जो लूट मची है वो किसी से छिपी नहीं है मैं बेशक बिस्तर पे रहा मेरी आंखें बंद रही लेकिन ये दिमाग फिर भी चलता रहा मैं बेशक दवाइयों के आगोश में लेटा रहा लेकिन कुर, कुछ कर गुजरने की क्षमता हिलोरे मारती रही वही हुआ है वही किया है मौत को करीब से देखा है अपनों को मरते देखा है इस लाइव वीडियो को शेयर कर दो भाई क्योंकि एक नया बीड़ा उठाने वाला है आप एक नया बीड़ा आपका आपका भाई उठाने वाला इस लाइव वीडियो को शेयर कर दो जो आपके उल्टे हाथ पर शेयर का बटन है दबाओ अपने टाइम लाइन पर शेयर करो दोबारा दबाओ सीधे हाथ पर ग्रुप खुल जाएंगे सारे ग्रुपों में शेयर कर दो बहुत करीब से हमने लोगों को मरते देखा है हॉस्पिटल हस्पताल लगातार लूट मार मचाए हुए हैं हस्पतालों ने लूट मचा रखी है इस कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही है प्रशासन सरकार सब मिले हुए हैं आपको पता है इस बात का एक बीड़ा उठाया है प्रोजेक्ट मैंने कहा कि मैं बिस्तर पे बेशक था लेकिन काम जारी था <coughs> मजबूर जो लोग थे जिनकी स्वास्थ्य में मदद करनी चाहिए थी मदद की और कर भी रहे हैं जिसके ऊपर अत्याचार हुआ उनकी मदद करनी चाहिए थी की और कर भी रहे हैं। एक बाइक एम्बुलेंस जो व्यक्ति तैयार कर रहे हैं हमारी बाइक एम्बुलेंस को बाइक आ चुकी है बाइक एम्बुलेंस तैयार की जा रही है उनको कोरोना हो रखा है स्टाफ इस में इसलिए थोड़ा समय लग रहा है ये समय भी जल्दी पूरा होगा और बाइक एम्बुलेंस आपकी रोड पर होगी बिल्कुल फ्री में बिल्कुल मुफ्त में बाइक एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य मेडिकल इमरजेंसी सेवा उपलब्ध भीम सेना कराएगी और भीम सेना तो क्या कराएगी भाई आप कराएंगे ये सब आपने कराना है आप ही करा रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया जो कुछ किया है आपने किया है मैंने कुछ नहीं किया है अब एक बीड़ा उठाया है प्रोजेक्ट पूरा तैयार है से सुन लेना इस बात को। मैं अपनी जमीन बेचने चला था मैं अपनी जमीन बेचने चला था कि सामाजिक प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकूं। उसी जमीन में एक सामाजिक प्रोजेक्ट की इबारत लिखने को जा रही है जी हाँ मैं अपनी जमीन बेचने चला था कि अपने सामाजिक प्रोजेक्ट पूरे कर सकूं, जिससे पैसा आएगा अब उसी जमीन में हॉस्पिटल बनने जा रहा है पूरा प्रोजेक्ट हमारे आर्किटेक्ट हैं, वैभव वैभव और साथ में वो इंजीनियर भी है सिविल इंजीनियर वैभव ने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है बिल्डिंग प्लान हमारे दूसरे साथी तैयार कर रहे हैं पूरा पांच मंजिला हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा हरेक गरीब मजलूम अल्पसंख्यक ओबीसी एससी एसटी एस किसी भी जाति का किसी भी धर्म का व्यक्ति अपना फ्री में इलाज उस अस्पताल में करा सकता डॉक्टर बी आर अंबेडकर हॉस्पिटल का नाम होगा बिल्डिंग बनेगी तैयार होगी सरकार से अप्रूवल लेकर के हॉस्पिटल शुरू करा दिया जाएगा ये जमीन मेरी सोना में है गुड़गांव में जहां से कनेक्टिविटी फरीदाबाद बल्लमगढ़ की है जहां से कनेक्टिविटी पलवल फरीदाबाद की है जहां से कनेक्टिविटी अलवर राजस्थान की है जहां से कनेक्टिविटी गुड़गांव की है ये जमीन जहां है वहां कई बड़े बिल्डरों के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं मैं किसी बिल्डर का नाम नहीं लूंगा लाइव में कई प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस वे वहां आने वाला है मारुति कंपनी जो मानेसर की है वो वहां शिफ्ट हो रही है यानी कि एक प्राइम लोकेशन जहां आपके भाई की जमीन है वो मेरी नहीं भाई वो आपकी है अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई से है अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई की है वहां सतपाल तवर फाउंडेशन को ये जमीन हवाले करके कर दी जाएगी और सतपाल तवर फाउंडेशन यानी कि आप उस जमीन में अस्पताल का निर्माण करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हॉस्पिटल या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चैरिटेबल हॉस्पिटल हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे जिसके संचालन की जिम्मेदारी भीम सेना की होगी जिसके संचालन की जिम्मेदारी भीम सैनिकों की होगी यानी कि आपकी होगी भीम सेना संगठन उस अस्पताल को संचालित करेगा बिल्कुल मुफ्त में इलाज दिया जाएगा ये मैंने कोरोना से सीखा है ये मैंने कोरोना से सीखा है मैंने इस दौरान अपने भी देखे हैं <coughs> मैंने इस दौरान पढ़ाई भी देखे हैं मैंने इस दौरान दुश्मन भी देखे हैं मैंने इस दौरान दोस्त भी देखे हैं मैंने इस दौरान वो अपने पुराने मिलने वाले ऐसे डॉक्टर भी देखे हैं जिन्होंने फोन भी उठाना बंद कर दिया जिन्होंने मैसेज का रिप्लाई देना भी बंद कर दिया मैंने लोगों को मरते देखा है मैंने करीब से देखा है मैंने वहां गंगा किनारे रेतीली मिट्टी में गंगा की रेत में दबे हुए शवों को टीवी में देखा है मैंने गंगा में बहती लाशों को देखा है मैंने बिस्तर पर लोगों को मरते देखा है मैंने बिना बैड के बेड के अभाव में लोगों को मरते देखा है ऑक्सीजन के अभाव में लोगों को मरते देखा है मैंने अस्पतालों की लूट मार में लोगों को मरते देखा है <ỉंग> मैंने इस मोदी सरकार की हठधर्मिता से लोगों को मरते देखा है मैंने 5G नेटवर्क के जो जो 5G नेटवर्क की तरंगे लोगों के फेफड़ों को नुकसान कर रही हैं मैंने उसमें लोगों को मरते देखा है मैंने अपनों को भी मरते देखा है मैंने दूसरों को भी मरते देखा है यह अस्पताल बनेगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर चैरिटेबल हॉस्पिटल देश में कोई काम करे या ना करें कोई संगठन काम करे या ना करे मुझे किसी से मतलब नहीं मुझे कंधों पर भरोसा है मुझे अपनों पर भरोसा है मुझे खुद पर भरोसा है मुझे मेरी कौम पर भरोसा है अरे हाँ मुझे इंसानियत पर भरोसा है मुझे इस प्रकृति पर भरोसा है आई लव यू सो मच माई डियर बहुजन समाज आई लव यू सो मच माई ऑल इंडियन सिटीजन्स आई लव इंडिया आई लव पीपल इस अस्पताल में दोबारा बता देता हूं हर गरीब का किसी भी जाति किसी भी धर्म के व्यक्ति का मुफ्त इलाज होगा जो गरीब होगा इस हॉस्पिटल में विधवा महिलाएं माताएं बहने मुफ्त में इलाज होगा इस हॉस्पिटल के अंदर एस सी एस टी ओबीसी माइनोरिटी मुफ्त में इलाज होगा वेल क्वालिफाइड डॉक्टर रखे जाएंगे समय तो लगेगा लेकिन प्रोजेक्ट आएगा जो कहा है वो किया है जो सोचा है वो बुना है ये सपने तो बहुत हैं इस दुनिया में लेकिन फिर भी यही कहते हैं जिंदगी बेवफा है एक दिन ठुकराएगी और मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी लोगों को बचाओ मदद करो भाई मदद करो लोगों को बचाओ और यह हॉस्पिटल का कार्य जोर शोर से हमारी टीम अपने हाथ में लेकर इसको तैयार करेगी सतपाल तवर फाउंडेशन को इसको तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी गई है और भीम सेना इस अस्पताल को संचालित करेगी आप सभी ने जो प्यार दिया सहयोग दिया आशीर्वाद दिया मैं कायल हूं मैं कर्जदार हूं आपके आशीर्वाद का मैं कर्जदार हूं आपके प्यार का आपकी दुआओं का ये मॉल मैं नहीं चुका सकता मैं काम कर हूं बस, का। बस का बस काम कर सकता हूं ये सब ठीक हो जाएगा मेरे पूरे शरीर में सर में आंखों के अंदर चेहरे पर पूरे बॉडी पर जो बीमारी ये हो रखी है ठीक हो जाए क्योंकि कोरोना की दो रिपोर्ट पॉजिटिव थी जिसमें तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव है रिलीफ है लड़ेंगे जीतेंगे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा जय भीम साथियों जय भारत